हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कि मतलब हमारे यहाँ पे मतलब ये जो है DTPLSB ने अपनी निकाल दी है एग्जामिनेशन डेट। जो आपके PGT के एग्जाम होंगे उनके लिए इसने डेट निकाल दिया है। ये जो आपका आज मैं आपको PDF दिखा रहा हूँ, ये आर्टिकल जो है, ये आपका पिछले जो आर्टिकल जो निकला था आपका 13/4/2021 को, उसी नोटिस का ये फर्दर वो है, मतलब उसके आगे का ये नोटिस अब इन्होंने निकाल दिया है, जिसके अकॉर्डिंग आपके जो है एग्जामिनेशन है होल्ड कराए जाएंगे। और एग्जामिनेशन कब कराए जाएंगे, आपके 8 जून से एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे और 20 जून 2021 तक आपके एग्जामिनेशन रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम एग्जामिनेशन डेट देख लेते हैं एक बार। एग्जामिनेशन डेट क्या क्या दी हुई है, जैसे कि PGT ज्योग्राफी की जो आपकी डेट है वो आपकी 8 जून दी हुई है। इसी तरह इकोनॉमिक्स की भी 8 जून है, मेल फीमेल बोथ की। कंप्यूटर साइंस की जो आपकी है वो आपकी 11 जून को एग्जाम होगा, और मेल वो फीमेल का मैथ का भी 11 जून को एग्जाम होगा। इसी तरह यहाँ पे आपको सभी एग्जामिनेशन के लिए डेट दी हुई है। ये PDF आपको हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस PDF को कम्प्लीटली देख सकते हैं कि इसमें मतलब किसकी डेट कब है। तो इससे अलग जो है आपके क्या है कि मतलब आपका एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन होगा, और आपको मतलब सोशल डिस्टेंसिंग फॉर्मेट में आपका एग्जामिनेशन होगा। आपको ये जो एडमिट कार्ड है वो सब भी आपको ये फॉर्मेट में मिलेंगे, आपको लेकर जाना है वहाँ पे। आपके सेंटर वगैरह के लिए जो फर्दर अपडेट है वो सब जो है आपके ईमेल एड्रेस पे या मोबाइल पे आ जाएंगे। तो उसके आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आप कुछ दिए हुए हैं DTPLSB ने सलाहें कि आपको क्या क्या करना चाहिए एग्जाम से रिलेटेड। तो सबसे पहले DTPLSB कह रही है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपडेट देयर ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर फॉर फर्दर कम्युनिकेशन, कि मतलब जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस अपडेट कर लें। अगर मतलब पिछले कोई ईमेल एड्रेस वगैरह में कुछ दिक्कत होगी या मोबाइल नंबर में कुछ दिक्कत होगी तो उनके पोर्टल पे जाके आप अपडेट कर लीजिए, या फिर मतलब आपको अपने उसका रेगुलर चेक करते रहिए फर्दर कम्युनिकेशन के लिए कि कुछ मतलब नया अपडेट तो नहीं आया। अगली जो लाइन है इसमें इसने दिया है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड टाइम शैल बी मेंशन इन ई एडमिट कार्ड, कि मतलब जो एग्जामिनेशन सेंटर की डेट टाइम वगैरह है वो सब आपके ई एडमिट कार्ड में दे दी जाएगी। इससे अलग जो है डिटेल इंस्ट्रक्शन जो है आपका रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड डाउनलोडिंग ऑफ ई एडमिट कार्ड विल बी शॉर्टली ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बोर्ड, कि मतलब आपको आप अपना ई एडमिट कार्ड कहाँ से जाके किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें मतलब कब आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, एग्जामिनेशन सेंटर से सभी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी या तो आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाएगी या फिर मतलब आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं उसको। वहाँ पे भी आपको शॉर्ट लिस्ट चीज की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जाके मिल जाएगी। उससे अलग फिर क्या दे दिया इन्होंने, इन्होंने कह दिया कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट ऑफ द बोर्ड एंड OARS पोर्टल रेगुलरली फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, की मतलब जो आप कैंडिडेट्स हैं आपको एडवाइस किया जाता है कि आप मतलब फर्दर जो अपडेट्स हैं उनके लिए वेबसाइट पर लगातार जाके देखते रहें ताकि आपको किसी भी अपडेट में पीछे ना रह जाए, तो मतलब आपके एग्जाम वगैरह में दिक्कत ना हो कुछ। इससे अलग ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट मे आल्सो बी इन्फॉर्म ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज एन एडिशनल मेजर, कि मतलब जो कैंडिडेट है उनको एडिशनली जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उसके बारे में सब मिल जाएगा। पर अगर किसी एक केस कोई ऐसा एक केस हो जाता है कि मतलब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज नहीं आ पा रहा है, ईमेल नंबर पर ईमेल आईडी पे मैसेज नहीं आ पा रहा है, तो इसमें आपको ऐसा कुछ राइट नहीं मिलने वाला कि मतलब आप ई एडमिट कार्ड ही हुआ या फिर मतलब आपको एग्जामिनेशन दोबारा आप करा सकें या फिर एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड करने की जो डेट है उसको एक्सटेंशन मिलेगा, ऐसी आपके लिए कोई सुविधा अप्लाई नहीं की जाएगी। इसके लिए बोर्ड आपको पहले ही कह के चल रहा है कि आप उस चीज़ के लिए रेगुलर जो है बोर्ड की वेबसाइट या फिर OARS की वेबसाइट पर रेगुलरली अपना जाके चेक करते रहें फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, कि कोई अलग इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई एडमिट कार्ड वगैरह से रिलेटेड, ताकि आपका मतलब किसी भी तरह की कुछ वो ना छूट जाए। और इससे अलग फिर लास्ट लाइन में क्या कहा है इन्होंने, इन्होंने कहा है कि आपको जो है कैंडिडेट्स विल फॉलो ऑल COVID-19 रिलेटेड सेफ्टी मेजर्स इंक्लूडिंग वियरिंग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। तो दोस्तों अभी आपको पता ही होगा कि मतलब अभी आपकी कोरोना की थर्ड वेव भी चल रही है, तो थोड़ा सा सेफ्टी आप अपनी भी रखिएगा, दूसरे की भी रखिएगा, ताकि आप भी सुरक्षित रहें दूसरे भी सुरक्षित रहें। तो उसके लिए आप मास्क पहन के जाइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिएगा और अपना प्रॉपर हैंड सैनिटाइजर वगैरह लेके जाइएगा, ताकि मतलब आप भी सेफ रहे दूसरे भी सेफ रहें। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।